दोस्तों तेलुगु सिनेमा के मास महाराजा रवि तेजा की मच अवेटेड फिल्म रावण असुरा इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने चौथा दिन पूरा करते हुए नजर आ रही है। और आज ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हुए सभी हेटर्स की बोलती बंद कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रवि तेजा के बॉलीवुड रिव्यू के बारे में और उनकी हिंदी फिल्म के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी रवि तेजा के डायहार्ड फैंस और उनकी फिल्म रावण असुरा के लिए एक्साइटेड थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रावण असुरा जो कि एक साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म में सुपरस्टार रवि तेजा नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को दोस्तों ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका डायरेक्शन किया है सुधीर वर्मा ने। लगभग 25 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली दोस्तों रावण असुरा को ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। यह फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन जहां 7 करोड़ से बड़ी ओपनिंग लेने में कामयाब रही थी, तो वही दोस्तों अपने दूसरे दिन भी इस फिल्म ने ऑडियंस की तरफ से मिले हुए काफी अच्छे रिव्यूज की वजह से 7 करोड़ रुपए के आंकड़े को छुआ। अपने शुरुआती 2 ही दिनों में दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस को मिलाकर लगभग 18 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के कल यानी कि अपने तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि रवि तेजा की इस फिल्म ने कल अपने तीसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रांग होल्ड किया है। इस फिल्म का क्लैश दशहरा, भोला और कई सारी बड़ी फिल्मों से हो रहा है। बावजूद इसके दोस्तों इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 4 करोड़ रुपए कमाए, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अपने तीसरे दिन लगभग 6 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रही। ऐसे में इस फिल्म का जो टोटल है वो ऑल ओवर इंडिया से और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 24 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म के जो राइट्स है वो 22 करोड़ रुपए के प्राइस में बिके हैं। इस फिल्म को 22 करोड़ से ज्यादा शेयर हासिल करने हैं, जबकि इस फिल्म के अभी तक के जो टोटल शेयर है वो 15 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के आज अपने चौथे दिन के कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि ये फिल्म रवि तेजा की पिछली फिल्म धमाका से थोड़ी कम कमाई जरूर कर रही है, लेकिन इस फिल्म को रिव्यूज धमाका से कहीं ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं। इस फिल्म में दोस्तों रवि तेजा का एक्शन तो काफी जबरदस्त है ही, लेकिन दोस्तों उनका जो नेगेटिव रोल है वो भी ऑडियंस पसंद कर रही है और यही वजह है कि ये फिल्म आज अपने चौथे दिन बिगड़े होने के बावजूद भी लगभग 2 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का ऑल ओवर इंडिया से टोटल कलेक्शन हो चुका होगा लगभग 20 करोड़ रुपए का। तो वही दोस्तों दुनिया भर में ये फिल्म लगभग 26 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी होगी। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर रवि तेजा के हिंदी डेब्यू के बारे में, तो दोस्तों रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि सुपरस्टार रवि तेजा बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं, वो भी नेगेटिव कैरेक्टर के साथ, और उनके साथ आपको लीड करते हुए नजर आ सकते हैं वरुण धवन। वरुण धवन और दोस्तों रवि तेजा मनाडू के ऑफिशियल रिमेक में आपको नजर आ सकते हैं, जो कि दोस्तों एक तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो मनाडू इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी बढ़िया कमाई करने वाली है और ये फिल्म रवि तेजा के लिए एक परफेक्ट डेब्यू फिल्म हो सकती है। आपको भी दोस्तों क्या रवि तेजा का हिंदी में डेब्यू का इंतजार है या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल बॉक्स ऑफिस ब्रेकिंग्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।